इस्लामिक कम्युनिटी साइफर ऑफ टेक्नोजेनेसिस एनएसए तकरीबन दो दिन बाद एप्पल का ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी लाइव इवेंट है, जिसके अंदर आमतौर पर हमें एप्पल की तरफ से सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं सिर्फ, जैसे कि आईफोन का iOS, watchOS, macOS और tvOS, ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जितने भी रूमर्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें एप्पल की तरफ से इस बार सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक हार्डवेयर भी देखने को मिलेगा, यानी कि एप्पल एक प्रोडक्ट भी रिलीज़ करेगा। अब जो प्रोडक्ट होगी वो इस बार मैकबुक हमें देखने को मिलेगी, मैकबुक 16 इंच, और उसमें जो प्रोसेसर यूज़ करेगा वो एप्पल, जो एप्पल का लास्ट ईयर का M1 अपनी चिप थी वो हमें उसका सुपीरियर प्रोसेसर M1X देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस बूस्ट भी देखने को मिलेगी और साथ साथ हमें उसमें रैम्स की भी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट ईयर अगर 16 GB मैक्सिमम थी तो इस साल आप 32 GB या पॉसिबल है कि आप 64 GB तक आप रैम की कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें परफॉर्मेंस बूस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर्स की तो इस बार हमें iOS भी देखने को मिलेगा और iPadOS जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अब जितने भी रूमर्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस साल हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि आमतौर पर हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली हैं iOS में। सिर्फ इस बार iOS 15 iPadOS में हमें कुछ ट्वीक्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहले तो ये सजेस्ट कर रही हैं कि नोटिफिकेशन ट्वीक्स हमें देखने को मिलेगी। अब नोटिफिकेशन ट्वीक्स में ये है कि आप नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप सो रहे हो तो सिर्फ नोटिफिकेशन का साउंड ना आए, सिर्फ नोटिफिकेशन आए स्लीपिंग मोड लगाए बगैर, और बाद में आप इसको डिफरेंट यानी कि मोड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि आमतौर पे एक आईफोन में ऑटोमेटिकली सिस्टम है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके मोबाइल फ़ोन पर ऑटोमेटिकली ड्राइविंग वाला वो मूड लग जाएगा, अगर तो आप नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह आप फूड ट्रैकिंग, ड्राइविंग और डिफरेंट इस तरह जैसे स्लीपिंग डिफरेंट मूड खुद इनेबल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के बाद हमें जो देखने को मिलेगा आई मैसेज देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि एप्पल आई मैसेज को काफ़ी इंप्रूव करेगा व्हाट्सएप को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली व्हाट्सएप के काफ़ी ज़्यादा हमें उसके बातें सुनने को मिल रही थी कि व्हाट्सएप डाटा ट्रैक वगैरह करता है। तो सुनने में आ रहा है कि एप्पल आई मैसेज को काफ़ी इंप्रूव करते हुए व्हाट्सएप को कम्पीट करने के लिए कुछ चेंजेस लाएगा। अब व्हाट्सएप आई मैसेज के बाद जो हमें एक न्यू चेंज देखने को मिलेगा iOS 15 में वो होगी प्राइवेसी की। अब रिसेंटली iOS 14.6 में एप्पल ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी रिलीज़ किया था, जिसके अंदर हमें मुकम्मल देखने को मिल रहा था कि कौन सा ऐप ट्रैक कर रहा है, हमें कितनी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है, और हमारे पास फुल कंट्रोल था कि हम उसको रोक सकते हैं कि नहीं। अब सुनने में iOS 15 में ये चांसेस होंगे कि एप्पल हमें सेटिंग में मुकम्मल एक सेपरेट ऑप्शन ही प्रोवाइड कर देगा कि जिसके अंदर हम जाके चेक कर सकेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की हुई है वो हमारा कितना डाटा ट्रैक कर रही है। अब आमतौर पर ये चेक करने के लिए हमें पहले ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमें एप्लीकेशन जो सी हम चेक करना चाहते हैं उसको ओपन करनी पड़ती है, फिर जाके हम चेक करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा ट्रैक कर रही है। लेकिन सेटिंग में एप्पल अब सेपरेट हमें ऑप्शन ये प्रोवाइड कर देगा, तो वहाँ पर हमें मुकम्मल एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा ट्रैक कर रही है हमारा। अब उसके बाद एक और जो फीचर हमें देखने को मिलेगा वो फूड ट्रैकिंग होगा कि आपने कितना खाना खाया, कितनी आपने कैलोरीज इन की हैं। अब ये फीचर मोस्टली लोगों को तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद कुछ लोगों के काम आए ये वाला फीचर। और उसके बाद एक रूमर जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है वो डार्क मोड ट्वीक्स का है। अब डार्क मोड ऑलरेडी हमारे पास आई थिंक iOS 13 से हमारे पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है रात टाइम मोबाइल यूज़ करने के लिए, और जिन्हों से मोबाइल फ़ोन के OLED स्क्रीन है वहाँ पे हमें बैटरी इंप्रूवमेंट भी काफ़ी देखने को मिल जाती है। तो इसमें हमें iOS 15 में देखने को मिल रहा है कि एप्पल कुछ ट्वीक्स करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके ऐप का कोई आइकॉन है उसके ऊपर बैज है या फिर नोटिफिकेशंस हैं कुछ जो से अभी भी लाइट मोड में हैं, कोई नोटिफिकेशन वगैरह शो होते हैं, एप्पल उनको इम्प्रूव करते हुए उसको थोड़ा सा डार्क कर देगा। आई मैसेज में जैसे हमें ग्रीन कलर का मैसेज अभी भी डार्क थीम में नज़र आता है, तो पॉसिबल है कि एप्पल उस ग्रीन और ब्लू को थोड़ा सा डार्क करके कुछ ट्वीक्स करके हमें ज़्यादा अच्छा डार्क मोड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो हमें फाइनली देखने को मिलेंगे कुछ, मैं ऑलरेडी भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि हमें बैकग्राउंड साउंड्स देखने को मिलेंगे कि अगर आप रात को सोते हुए कोई आपको आमतौर पे म्यूज़िक पसंद होते हैं फायर वाला और वुड्स वाला रेन वाला, तो आप वो म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। वो हमें डिफ़ॉल्ट आईफोन की सेटिंग में देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। असिस्टिव टच एप्पल वॉच में हमें फीचर देखने को मिलेगा, जिसके ज़रिए आप मुकम्मल अपनी रिस्ट के ज़रिए हाथ को घुमाते हुए उंगलियों के ज़रिए इस टैप करते हुए अपनी एप्पल वॉच को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आईपैड में आई ट्रैकिंग हमें देखने को मिलेगी, जिसके ज़रिए आप आई के ज़रिए मुकम्मल आईपैड को कंट्रोल कर सकेंगे। इस पर मैं मुकम्मल एक स्पेसिफिक वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। अगर मैं सपोर्टेड की बात करूँ तो कौन कौन सी डिवाइसेस iOS 15 को सपोर्ट करेगी, जो कि काफ़ी अहम चीज़ है, तो वो ये है कि इस बार लास्ट ईयर जो iOS 14 था वो हमें iPhone 6s से लेके ऑनवर्ड iPhone
11 प्रो मैक्स तक सब में सपोर्टेड देखने को मिला था, तो इस बार जो iOS 15 होगा वो आईफोन 6s को एप्पल उसको ड्रॉप कर देगा। तो iOS 6s तकरीबन काफ़ी पुराना मोबाइल फ़ोन है, 2015 में एप्पल ने रिलीज़ किया था। तो iOS 15 होगा वो हमें iPhone 7 से लेके ऑनवर्ड iPhone 12 तक देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास iPhone 6s है तो आई थिंक अब टाइम आ गया अपग्रेड करने का, तो आप iPhone 7 पे अपग्रेड कर लें iPhone 6s से। और फाइनली जो हमें रूमर्स देखने को मिल रहे हैं वो कुछ iPads के रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली एप्पल ने iPad Pros को रिलीज़ किया है 11 इंच और 12.9 इंच, जिसके अंदर हमें M1 प्रोसेसर देखने को मिला है और मिनी LED डिस्प्ले भी देखने को मिला है। तो इस बार एप्पल जो iPad mini होगा उसको भी थोड़ा सा उसको बेजल्स को स्लिम करके पॉसिबल है कि इसमें जो हमें उसमें भी चिप देखने को मिले वो M1 चिप देखने को मिले। तो एप्पल वर्क कर रहा है कि हमें जो iPad mini देखने को मिलेगा वो भी अब स्लिमर बेजल्स के साथ देखने को मिलेगा। और अगले साल हमें iPad Pro देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल ने जैसे इस साल हमें iPad Pro देखने को मिला है, लेकिन उसके अंदर हमें जो चेंजेस देखने को मिलेंगी वो ये होंगे कि एप्पल वायरलेस चार्जिंग को iPad Pro के अंदर ला रहा है। तो हमें मुकम्मल जो बैग देखने को मिलेगी iPad में वो ग्लास बैग देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ हमें मैग सेफ जो है एप्पल की वायरलेस चार्जिंग वो भी उसके अंदर हमें उसकी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। बाकी दो दिन बाद एप्पल का ऑफिशियल WWDC लाइव इवेंट होगा। अगर वो आप देखना चाहें तो आप या तो YouTube चैनल पर उनके एप्पल के देख सकते हैं, या फिर आप उनकी वेबसाइट पर भी जाके लाइव इवेंट देख सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से अब जितने भी एप्पल के इवेंट हो रहे हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स के इवेंट हो रहे हैं, तमाम लाइव इवेंट हो रहे हैं। और एप्पल के इवेंट की खास बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरेस्टिंग इवेंट होते हैं, तो अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी मैं इस पे मुकम्मल iOS 15 पे वीडियो बनाता रहूँगा कि एप्पल ने क्या क्या फ़ीचर रिलीज़ किए हैं और मुकम्मल कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें। तो आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।